गुड मॉर्निंग। ये देखिए खिलती हुई धूप। हेलो अगेन, नाश्ता वाश्ता तो हो गया सबका, ब्रेड ऑमलेट ही खाया है आज। तो अभी मैं लगी थी लंच की तैयारी करने में, बैंगन बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैं प्याज काट रही हूँ, बैंगन में गैस पे रख के आ गई हूँ भुनने के लिए। बस अब ये रेडी करूँगी तो आज आपको बैंगन की रेसिपी बताऊँगी। देखिए मैंने ऑयल में राई, हरी प्याज, हरी मिर्च और प्याज जब थोड़े से पिंक हो गए तो उसमें मटर वगैरह सब डाल दिया है। तो सिंपल तरीका है, बस प्याज का देखना होता है कि वो हमें प्रॉपर तड़के वाले नहीं करने हैं, हल्के खड़े खड़े रखने हैं। तो अभी ये मेरे प्याज ऑलमोस्ट तैयार हैं, हल्का लाइट ब्राउन होने तक। और उसके बाद फिर इसमें कटा हुआ ही टमाटर डालूंगी, ग्राइंड करके या कद्दूकस करके नहीं डालती मैं, तो थोड़ा सा बारीक हाथ से कटा हुआ डालती हूँ। और बैंगन मैंने भून के रख लिया है। ये देखिए ये मैंने टमाटर डाल के और थोड़ा पानी डाल के इसको सिम पे रख दिया है टमाटर गलने के लिए। और ये मैंने बैंगन जो है मैश करके रखे हैं। ये देखिए मसाला भुन चुका है, ऑयल छोड़ चुका है सारा। द फाइनल लुक, अभी बाकी सब ने तो ब्रेड ऑमलेट खा लिया था बट मेरा मन नहीं है अंडा खाने का, इसलिए अपने को तो वही ब्रेड और सब्जी ही पसंद आती है। एज़ यूजुअल जैसे हमेशा मैं बनाती हूँ, जैसा टेस्ट आता है सब्जी। हाय, अभी विंटर्स के कपड़े निकाले थे तो मैंने ड्राई नहीं किए थे, तो आज मैंने सोचा कि कोई घर में है नहीं तो मैं सारे कपड़े ड्राई कर करके पहन रही देख रही थी। तो ये मेरे ऑफिस में मैं एक ड्रेस पहनती थी ब्लैक सी, ये कश्मीरी कढ़ाई है इस पर कुर्ते पर, और ये ब्लैक जीन्स के साथ मैं पहनती हूँ। अभी ये लुक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पतली कहाँ से हुई हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे कहीं फील नहीं होता कि मैं पतली हुई हूँ, पर ये इतना लूज़ हो गया है। ये मुझे लगता है कभी कभी ना खुद को खुश करने के ना कुछ रीज़न मिल जाते हैं। ऐसे कपड़े ट्राई कर करके देख रही हूँ तो मेरे कपड़े लूज़ हो रखे हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि यार। हाँ जी, तो अब मैं कैसी लग रही हूँ? अब घर में अकेली हूँ और मेरा कोको है, तो हम दोनों क्या करें? अब हम ये सोच रहे हैं, खाना बना पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में। और अब तैयार भी हो गई हूँ, बाहर जा नहीं सकती क्योंकि ये कोको महाराज है, कोको को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। तो घर की सैरी कर लेती हूँ, कुछ जगहें हैं दिखाने लायक नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो अभी मैं बालकनी में आई हूँ, बालकनी में बाहर का मौसम देख रही हूँ, धूप निकली हुई है अच्छी अच्छी सी, बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा वेदर है पर हवा चल रही है। अब बात किससे करें, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो सोचा आपसे ही बात कर लूँ। भुट्टा मुझे बहुत पसंद है, भुट्टा बहुत दूर है भुट्टे वाला, जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगी तब तक तो वो निकल ही जाएगा। आज मेरा मन था कि मैं रील्स बनाना सीखूंगी, बच्चों से रील्स कैसे बनाते हैं। अभी जब कोई नहीं होता घर के अंदर तो आप लोग क्या करते हैं मुझे ये बताइए, टाइम को कैसे यूज़ करते हैं? मैं तैयार तो हो गई हूँ, मन भी कर रहा है कहीं बाहर निकल जाऊँ, कहीं घूम के आऊँ, पर कहाँ जाऊँ यार इसको बेचारे को छोड़ के, ये और मैं हम दोनों अकेले दुकेले यहाँ पड़ गए। मैं
कल आपसे बोल रही थी ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं व्लॉग में क्या दिखाऊं, क्योंकि ये मेरी जनरल नॉर्मल लाइफ है तो मैं यही दिखाती हूँ। मैं पहले एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें करती थी, कभी डांस करती थी, सिंगिंग करती थी और कुछ एक्स्ट्रा DIY टाइप चीज़ें करती रहती थी। मी सी के मैं क्या कर सकती हूँ और आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, सोच रही हूँ। चलिए आज आपको एक गाना सुनाती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। खराब कर दिया मैंने। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कोई कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बड़ा ही घटिया गाया मैंने। बहुत टाइम हो गया। मैंने बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा ट्राई किया। आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने यही फर्स्ट सॉन्ग सुना था। कुछ भूख लगी बड़ी मुद्दत के बाद भूख लगी, तो सोचा उत्पम बना लूँ। थोड़ा सा दही पड़ा है तो ये मैंने दही में नमक और कड़ी पत्ता काट के डाल लिया है इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ। मैं अकेली हूँ, कोई और है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही ले रही हूँ। आई थिंक 2 या 3 बन जाएंगे इससे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मुझे, और जो आप वीडियोस वगैरह में या किसी कुकरी शो में देखते हैं ना, ये जो सूजी के पैनकेक कह लीजिए या उत्पम कह लीजिए बनाना सिखाते हैं, वो लोग एक चीज़ मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग सूजी का बनाते हैं ना, तो अगर नॉर्मल सूजी का लेके बनाएं, कोई भी सूजी हो, मोटी हो पतली हो, तो वो अच्छे से ना फैलता नहीं है तवे पे। चाहे आप कितना ही दही अच्छे से फेंट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, पर वो अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लावर डाल लेंगे तो उससे ना एक जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ हो जाएगी और ये अच्छे से तवे पे फैलेगा। बाकी तो टेक्निक होती ही है कि तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब ये देखिए मिक्स हो गया है सूजी फूलना शुरू हो जाएगी 10 मिनट में, तब तक मैं ये प्याज और एक टमाटर जो है वो काटूंगी जी। तो अभी मेरा सब रेडी है, बैटर भी और हल्का सा ऑयल के साथ ये रनिंग उसमें रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, बस ये एक करछी के बराबर मैं लूँगी और इसके ऊपर डाल के हल्का सा इसको राउंड शेप में ले लूँगी। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैंने ज़रा सा प्रेस किया वो फट गया, तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और फुल पे ही रख के पकाना है इसे। ऑयल को चारों तरफ मैं स्प्रेड कर रही हूँ, देखिए। अभी मैं इस पे साथ के साथ ही थोड़े से ऑनियन और टमाटोस, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से,
वैसे सूजी में डाला हुआ है, हल्की सी काली मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अगर डालना हो तो, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ, और हल्का सा चिली फ्लेक्स, कोको बाहर, ये देखिए नीचे से पक दिख चुका है, इवन जल चुका है। इसको धनिया पुदीना की चटनी या केचप के साथ खाऊंगी, साथ में मैंने चाय बना ली है। हेलो अगेन, रात के करीबन 8:30 हो रहे हैं और मेरे लिए कुछ आया है। वैसे तो मैंने डाइट फूड खाया है, तो आप कहेंगे कि आप ये क्यों खा रही हूँ, बट मैं आपको दिखाती हूँ। सी आलू की चाट और भल्ला, आप कोई प्यार से लेके आए तो खा ही लेना चाहिए ना, तो मैंने टेस्ट करने भर का लिया है। और अब उसके बाद खाना वाना तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो रहे हैं। ये खा रहे हैं अपना और मैं अपना, तो बस गुड बाय फ्रेंड्स। होपफुली आज का दिन अच्छा लगा होगा आपको। आज थोड़ा सा एक्टिविटी मूड था तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है, आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि कुछ अच्छा अच्छा दिखा सकूँ। प्लीज़ 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 रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन टू ऑल ऑफ यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीज़ें सिर्फ मैं आपसे मांग रही हूँ जो आपको मेरे लिए करनी है। और कंटेंट वगैरह मुझे नहीं समझ आता, बट जो हाँ मैं जो कर सकती हूँ अपने एंड से वो सब कुछ मैं करके तो देखूँगी। सो बाय।